गोविंद जी, उत्तराखंड फिल्म अवार्ड 2018 आज मुंबई में हो रहा है और आप यहाँ पे आए हैं। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, तो हम पहले जानना चाहेंगे कि ये अवार्ड शो विनोद गुप्ता जी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई के पात्र हैं वो। इस तरह के कुमाऊँ फिल्मों के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो ये हम सब लोगों के लिए, एक्टरों के लिए, पहाड़ समाज के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जी। विनोद जी ने भोजपुरी को बहुत नीचे के दर्जे से अवार्ड शो कराते कराते आज इस लेवल पे लेके आया है, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब विनोद जी जिस तरीके से अब उत्तराखंड को भी आज पहला अवार्ड शो करा रहे हैं, तो आगे भी वो ऐसे रेगुलर करते रहेंगे, तो आप कुछ? मैं तो कहूँगा कि वो अगर थोड़ा सा भी उनके दिमाग में ये विचार आए कि वो ना करें, तो उससे पहले हमें उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनसे कहना है कि इससे भी बड़े लेवल पे वो करते रहें और हम सब लोगों का जो भी सहयोग है वो लेते रहें। और हम उनके साथ हैं और ये हम लोगों के लिए बड़ी फख्र की बात है और बहुत ही शुभ मौका है कि विनोद गुप्ता जी ने इतना बड़ा कदम उठाया और उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि इस तरह से एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है। तो हर एक कलाकार या टेक्नीशियन हमेशा चाहता है कि उसके काम की एक परीक्षा हो और रिजल्ट उसको मिले। कहना चाहूँगा कि विनोद जी के लिए मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि तमाम उत्तराखंडी जो दुनिया भर में फैले हुए हैं उन सभी लोगों की तरफ से, सभी कलाकारों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हम दिल से दुआ करते हैं कि उनका यह प्रयास हर तरह से सफल हो और बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छे और इससे भी अच्छे कार्यक्रम करें, बेहतरीन कार्यक्रम। थैंक यू। मैं कहूँगा विनोद गुप्ता जी बहुत ही गुणी होनहार हैं और एंटरप्राइजिंग नेचर के हैं। उनसे मेरा संपर्क कई साल पहले हुआ था, मुझे तभी लग गया था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे और इस तरह के अवार्ड का आयोजन जो इन्होंने आज किया है, मैं चाहता हूँ हर वर्ष ऐसा अवार्ड हो और बड़े पैमाने पर हो ताकि इसकी गूंज दूर दूर तक देश विदेश में जाए। मैं विनोद गुप्ता जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद। मैं उनका धन्यवाद मानूंगा कि हमारे समाज के लिए वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा उनका कार्य हो रहा है। भोजपुरी तो पूरी दुनिया में फेमस है, मैं चाहूँगा कि उनके द्वारा जैसा उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को फेमस किया है हर पूरे जग में, तो उसी तरह उत्तराखंड जो फिल्म इंडस्ट्री है उसी को भी पूरे विश्व में वो नाम करे उनका, मैं उनको उनसे ये आशा करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सारे उत्तराखंड के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा क्योंकि ये उत्तराखंड फिल्म के लिए एक बहुत ही बहुत अच्छा प्रयास है, ये बहुत बड़ा काम है। जिस तरह से विनोद जी ने भोजपुरी में पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने भोजपुरी को बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया जिससे मार्केट बनता है, क्योंकि क्या है जब आप सम्मान देते हो किसी को, किसी काम के लिए सराहते हैं तो और भी लोग आते हैं उस सम्मान को पाने के लिए और भी, वो एक मार्केट बनता है। इस तरह से धीरे धीरे ये किसी तरह डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे और भी फिल्में बनेगी और इसका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा जिससे सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एक्टरों को बेनिफिट मिलेगा और भी लोगों को रोज़गार मिलेगा इस वजह से। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माई नेम इज़ टीना एंड मेरा लास्ट सीरियल था एक आस्था ऐसी भी जो स्टार प्लस पे आता था एंड मैं उसमें आस्था का किरदार निभा रही थी, तो वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी एंड ह्यूमैनिटी में विश्वास करती थी कि अच्छे कर्मों में विश्वास करती थी। तो इसलिए मैं इधर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक नया एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो आई वांट टू प्रमोट दिस फिल्म अवार्ड्स एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट ईयर, सो रियली वेल डन एंड ऑल द बेस्ट। रीजनल सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम मराठी सिनेमा, गुजराती सिनेमा की बात करें, तो डेफिनेटली उत्तराखंड को थोड़ा देर से एक्सपोजर मिला लेकिन उत्तराखंड सिनेमा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और विनोद गुप्ता जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उत्तराखंडी सिनेमा के लिए पहली बार है, हम सबके लिए बहुत खुशी का मौका है और हम उम्मीद करते हैं कि विनोद गुप्ता जी की ये शुरुआत बहुत आगे जाएगी और बहुत जल्दी हम उत्तराखंड सिनेमा में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे और इसी तरह ये अवार्ड फंक्शन चलता रहेगा। मैम, और हम भी